कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? अरे शर्म करो, कंजरी मादे बचियो, दगड़दल्ली मादे बचियो, कुछ अच्छा काम, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। मैं किसी को ना फॉलो करता हूँ, ना ही किसी का फैन हूँ। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो किसी ना किसी सेलिब्रिटी के डाई हार्ड फैन होंगे, और उनसे मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, खुद बेइज्जत होने के लिए भी तैयार हैं। अब सेलिब्रिटीज ह्यूमंस ही तो होते हैं, और अगर कोई किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना समझ में आता है, लेकिन उसका एकदम डाई हार्ड फैन बन जाना, उनकी वर्शिप करने लग जाना, ये समझ के परे है। पर्सनली आई डोंट सी एनी पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी इन फॉलोइंग समवन। हमारा घर वो सेलिब्रिटीज चलाने नहीं आने वाले, उसको फॉलो करने का मोटिवेशन आने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे लोग जो किसी सेलिब्रिटी के डाई हार्ट फैन बन जाते हैं, ये एक सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम के शिकार होते हैं, जो कि एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। और ये सिंड्रोम ऐसे लोगों में ज़्यादा डेवलप होता है जो थोड़े से साइको हों, जिनमें सेल्फ इस्टीम ना हो, थोड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं ये लोग, डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार होते हैं ये लोग, इनको एक एडिक्टिव डिसऑर्डर नाम की मेंटल हेल्थ डिजीज़ होती है। एक 2018 में कंडक्ट की गई स्टडीज का माने तो सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम ऐसे लोगों में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो डे ड्रीमिंग करते हैं इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में, और उनमें एक खुद भी एक चाह होती है बहुत ज़्यादा फेमस होने की, और ये लोग इंटरनेट का ऑब्सेसिव यूज़ करते हैं। वॉट डज सेलिब्रिटी वर्शिप लुक लाइक? एक सेलिब्रिटी के साथ में सेल्फी लेने के लिए ये लोग कितने भी बेइज्जत होने के लिए तैयार होते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों का नाम भी उन सेलिब्रिटीज़ के नाम पर रख देते हैं। ये उन सेलिब्रिटीज़ को स्टॉक करते हैं, इनअप्रोप्रिएट अटेम्प्ट्स करते हैं उन सेलिब्रिटीज़ से मिलने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। ऐसे लोग जो किसी सेलिब्रिटी के डाई हार्ड फैन बन जाते हैं, इनकी मेंटल, पर्सनल, इमोशनल लाइफ धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है। और मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जब तक उस इंसान को बताया नहीं जाए कि वो मेंटली थोड़ा सा इल है, तब तक उसको एहसास भी नहीं होता कि वो मेंटल हेल्थ का शिकार है। अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, उसके साथ में वीडियो शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वॉच अवर अपकमिंग वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Please share if you like the video. Thanks for watching.